अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मैं हूँ हसन मजीद, अपने चैनल हसन वर्ल्ड से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 11 बार रोजा पक्का भाई आपके पास। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हुआ है और रोजा भी आ जाएगा, अलहम्दुलिल्लाह 11वां चल पड़ा है। ओके, थोड़ा थोड़ा गर्मी वाला हो चुका हुआ है मौसम, अपना ख्याल करेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा भी मौसम होगा रोजे तो हमें रखने रखने। चलते हैं जी हम अपने किचन पे। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। हाँ अच्छा जी, ये बन गए जी हमारे पराठे और ये आमलेट और ये मामा जी चाय डाल रही है। सालन गर्म हो गया। उधर देखें जी, हमने सालन लगा दी है गर्म होने पे और हम पराठों को उठा के लेके चलते हैं जी अपने दस्तरखान पे। ये लें जी, पराठे आ गए यहाँ पे और दस्तरखान पर पहले ही दही मौजूद है जी। और इधर अंडा शरीफ जो है वो तैयार हो रहा है। और उधर दूसरी तरफ हमारा सालन जो है वो भी ओवर में गर्म हो रहा है। 3, 2, 1, चू। और सालन में जी आलू गोभी गोश्त हुआ। मिट्टी के दाम है मिठू दा हमारी कोई चूचा नहीं आई है का सुबह दी और इसको रखते हैं जिस प्लेट में लेके के जा रहे हैं अपने दस्तरखान पे। हमारा जी जो मिठू है वह बेचारा रात से बीमार है, मेडिसिन वगैरह दी हुई उसको, अल्लाह खैर करेगा उसके लिए। 2,000 years later. ले गाइस, हम अफ्तारी में वापस आ चुके हैं भरपूर आप एनर्जी के साथ। भाई जान, सुबह सैरी के टाइम मेरे फुल बटा फुल जो है ना वो मत बजी हुई थी। समझ नहीं आती अफ्तारी टाइम भाई, कुछ नहीं समझ आता क्योंकि नींद के साथ बहुत बुरा हाल हुआ होता है। इस टाइम आपका भाई पूरा फ्रेश है और बिल्कुल होशोवास में है। और अभी आज एक दो कंप्लेंट्स भी हैं वैसे घर में हमारी लेडीज़ की तरफ से। सो मूव ऑन किचन, हम किचन की तरफ मूव करते हैं आज फिर से। वैसे रोज़ ही करता हूँ, हाँ कुछ स्पेशल तो नहीं है, तो देखते हैं जी किचन वालों का क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम। जाते जाते ना ज़रा हम अपने मिठू को पिंजरा खोल दें। लें जी, मिठू साहब हमारे भाई आ गए हैं। माँ जी थोड़ी कंप्लेन आ रही सी, है की भला? ते आलू ने हैं जी। हाँ जी नकारे आलू अगर आप लोग देखे ना, एक आलू का साइज जो है ना एक किलो का वो देखे मेरे, इसके हाथ से भी बड़ा आलू है। ये मामा का हाथ, ये ले। हाँ एक गेट और ये ले, मेरे एक हाथ से थोड़ा सा छोटा ही एक है। पूरे किलो दा आलू है ये देखें, ये मेरे मेरे। भाई जो है ना वो लेके आए थे आलू जी, बड़ा अच्छा आलू है। और अब मामा क्या कह रही है, उसकी टंगों में महल जा गया इसका। हम यार पंगा दे मदर से ते मान ये सारा देखिए, खराब हो गया वे सारा ही। आंटी के साथ एक और स्कैम हो गया, पूछो वो भी वो आज दूसरा स्कैम कौन सा हो गया भाई, क्या फ्रॉड हो गया? मैं आलू ले पाई को ना और मेनू वक्त तो बाद मिल गया, मेनू भाई अन्नी नु आ दे गया सारे। हेलो ये देख लो खाए हुए आज सारे। मैं रखे कल भाई नु आ लिया, भी भाई दी मशामत लैके आनी रोज जाने बच्चे, कोई तो ख्याल कर लेंदा
अपने लापरवाही का नतीजा है। ओए होए होए देख ले मामा पापा वो कल आया ही ना बंदा आपके पास। अपना माई से कोई बंदा आया वो बस फिर वो ना आपको गिरा दे गया वो। और अब हम आते हैं जी अपने पकवाई की तरफ। यारे वो तो नहीं जरे कहने 37 चौके मारो तो एक बंद है बटपटी वाला। क्या मतलब? कुछ नहीं तुम्हारी समझ से बाहर बातें। ये देखें जी ये रोल वगैरह फ्राई हो रही है और अभी तो अभी फ्राई शुरू ही हुआ है। मेरे ख्याल में घर में जल्दी आ जाऊंगी। पीछे देखो पीछे। तुम्हें कहा किसी ने आने को मेरे पास? ये देखें जी ये हमारा टैंक है और ये अभी गर्म है तो हम अभी 5-10 मिनट हैं तो बेहतर है जी हम इसको ठंडा कर लें। तेरी माँ जी एक करो मैंने जरा मेरे एक खाच मोबाइल एक खाच टैंक। फ्रिज बंद है? हम लोग मर्द बेचारे जाएं तो जाए कहाँ, क्या करें यार। घर में आए तो बिस्ती, बाहर जाए तो बिस्ती, बंदा करे तो करे क्या यार। इस दुनिया में हमारा दुख कोई भी नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। चलें क्या हुआ? नहीं तो मैंने आपकी बिस्ती कर सकता हूँ। सही है ये देख। हाँ, अब सही है। आप देखें ये मुझे साल में मैनेज करवा रहे हैं कैमरे को। आज का मैंने कैमरे को पकड़ना तो वो देखे सीखा भाई। मैं साथ सिखाती हैं दोनों, स्पेशली मेरी मॉम मुझे सिखाती हैं। ये देख मैंने आप लोगों की कमेंट सेट की भाई। ये देखें इसको भी के काम देखें भाग के आ गई मेरे पास। मामा ने प्रैंक हो गया। हाँ मामा के साथ प्रैंक हुआ ना, इन्होंने आज देखा सबने। आज एक बंदा मामा को गलत आलू दे गया, मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया। मामा ने अपनी तरफ से शायद सस्ते लिए। हाँ हाँ कैमरे के पास आके बोले हमें सब कुछ सुनाई देगा। मैं पंजा दे किलो ले ये होगा सोने पर सुहागा वाला स्कैम। मामा ने 10 रुपए महंगा भी लिया और वो भी गलत ले लिया। भाई रमजान में बच के रहा करें, स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। खास तौर पर फल फ्रूट वालों ने स्कैम तो नया नया किया ना मेरे घर पे। कितने पूरे 50 रुपए का स्कैम हुआ, पूरे 50 का भी स्कैम हुआ। मालिक का कल उसको ना पता था क्या करना। हमारा जो मिठू है ना उसकी डेडी पे छोड़ देना। जाके सब्जी कुतर दे सारी बेचारे। ये देखें जी आज हमने अपनी फैमिली से टाइम स्पेंड किया है और बड़ी मजे मजे की बातें सुनने को मिलेंगी। और कल से हमारा ये घुग्गी भी जैसा वो भी बीमार था काफी ज्यादा। आज माशाल्लाह थोड़ा सा नीचे कैमरा कर दो, सिर्फ साइड आ रहा है अब ठीक है। इतने मरी कहां चुकी जान रहा है। हम मुझे क्या समझ लग गया हमारा बंदा फेस फेस के बिल्कुल से ना छोड़ना। चलें जी अब हम लोग अपने दस्तरखान को सेट में करके दस्तरखान सेट हो गया है। अब चलते हैं दस्तरखान की तरफ। निकाल लेनी खजूरें शजूरें सबकी प्लेटें भरे खजूरों से। ये देखें जी ये था जो समोसा एंड चिकन टैंक फ्रिज में मैंने रखा। वो यार गर्मी आज है जरा प्यास लगी हुई है, मैं कहा हल्का सा ठंडा हो जाए। ये देखें ये सारा अफ्तारी का सामान इन्होंने तैयार किया हुआ हमारे लिए। चलो चॉकलेट बार कर लो। अब
अब यस नहीं जी, आज आपका भाई सर्व करने वाला है सबको खजूरें। भाई जान तो खजूरें सर्व होगी, उसके अलावा कोई चीज नहीं। इससे ज्यादा मजाक हम नहीं करते। ये ले। ये फोर्थ आ गई मेरी। नहीं उधर ये अंकल आंटी की खजूरें हैं। ये देखिए जी, ये जाएगी मामा पापा के पास। ये भी इनको दो। ये लोग खाते हैं तीन तीन। उसके बाद आगे जी ये मेरी मिसेस की, जिसने खानी है मेरे साथ वाली दूसरी खजूरें। मैडम कितनी खाओगी? एक। मेरी भी आज तीन ही है, तो गर्मी हो गई है, अब ज्यादा नहीं खाई जाती। ये दोनों डिब्बे उठा के ना आप वहां पर रख दें। तुम कुछ ज्यादा नहीं मरीजी ले रहे? चल जाओ। हाँ तो काम शोर, सारा दिन घर में ये सोई रहती है, कोई काम नहीं है। वो मुझे कहती है काम करो। ये सारा कुछ किसने बनाया है? क्या बनाया तुम लोगों ने? खजूरें बनाई है? चावल बनाया है? चावल किसने बनाया है? चावल किसने बनाया? एक चावल का मुश्किल काम होता है। और सालन किसने बनाया है? वो मुश्किल काम, सबसे इजी काम। और चाट किसने बनाई है? ओहो, ये तो बहुत अच्छा काम था चाट बना। क्या वो बंद कर दिया? नहीं, फोनो टैप हेयर टू चार्ज योर फोन, बैटरी लो। भाई अभी तो मैंने इसका देखा कि बैटरी फुल थी। सोन भाई हमारी सफ्तारी भी हो गई बहुत मजे की, पेट भी भरपूर भर चुका हुआ है। अब बस एक काम बचा है, नमाज भी पढ़ ली, तरावीह भी पढ़ ली, हर चीज़ कर ली। अब सिर्फ एक काम बचा है और वो यही है कि बस डिग जाओ डिग जाओ बस। हाँ आज हमारे घर के जो सोलर है उसने भी बहुत तंग किया भाई, बहुत तंग किया था। इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया गया है, वो आया है, उसने भी सही किया है और अब चल रही है। देखो अभी आगे तो वैसे ही एसी का सीज़न आ रहा है, पता नहीं तब क्या हो। क्यों भाई? लेकिन अभी मेरा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म हो रहा है, क्योंकि अब आपका भाई भाई बहुत थक गया। अब उन बात से मेरी हम मैं डिगन लगा है बस। अब भाई को दें इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। न्यू व्लॉगर हो यार, रिस्पेक्ट कर लो यार भाई की। सही कह रहा हूँ? ओके भाई जान, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा, गुड नाइट। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।